Very happy to be here. Thank you so much, all of you, for coming, because this is a very special moment for us. I have Sid with me, who's the head of Disney, and Nitish ji, who's one of the four writers and the director of the film. And certainly this is a very nerve-wracking moment for all of us, because this has been a long journey, and this is the first time, ye pehli dafa hai jab hum apna poster ya pehla creative jo hai aapke samne rakh rahe hain, logon ke samne rakh rahe hain. और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी. सो नितेश जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू अनवील द लुक. हाँ, कैसा लगा गाइस? A man with his four daughters. Poster ke saath photo. आई होप यू लाइक दिस लुक. या मैन विद हिज फोर डॉटर्स. हाँ, और आपके पास कोई अगर सवाल हो हमारे लिए, सेट के लिए, मेरे लिए, नितेश जी के लिए, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस. चेक. हाय आमिर सर, दिस इज आलोक. हाय सर. पोस्टर आपका जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खास कर जाता है. जैसे पिछली फिल्म भी हमने देखी थी, आप रेडियो के साथ थे और उस लुक में थे. इस बार पारिवारिक तरीके से और खास तौर से लड़कियों के ऊपर आपने ये लाइन लिखी गई कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं कर. तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी, अगर आप ये थोड़ा बताना चाहें. ये जो है, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का, कि एक इंसान है, उसकी चार बेटियाँ हैं, और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी चार बेटियां हैं और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे. लिहाजा वो लाइन, वो फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है, मारी छोरियां छोरों से कम है के. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट, आई मीन दिस वन इमेज टेल्स यू, ये आपको बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. एंड सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का, बाकी तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे दिन, तो हाँ हाँ शूटिंग पूरी हो गई हमारी. शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वजन बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है, एक छोटा सा 10-15% इज यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, अभी जो हमारे सामने है, बड़ी बॉडी वाले या एकदम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है. मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी न किसी किरदार में होते हो, और
तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ, इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली मोटा ग्रे हेयर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक हियर एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर. किरण जी को, हाँ किरण जी को भी एक्चुअली ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती हैं आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है, पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है. मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज़ होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे किरण जी, मैं उनको बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ मैं, तो Women always like elderly men. अरे यार तो मैं तो बड़ा elderly हूँ आजकल. या आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा सीक्रेट है यार. Hi Amir. Day after there's another film on wrestling that's releasing. Hi Amir here. Yeah sorry. Shilpa from India today. Sorry. Day after another film on wrestling is releasing, Sultan. Any similarities at all to Dangal that you've noticed? No, not that I've noticed. I mean, there is wrestling, which is common, but that way so many films are common. So many films are revenge films. So many films are romantic films. So I think the genre of the film is quite different. The story itself is very different. One aspect of wrestling is common. But Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, you know, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film, and I really hope that it's a huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely. And Amir, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of a storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So what is your take on it? Well, I feel what, I mean, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened, but as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. That's what I feel. Amir? No, I've not spoken with him. Who am I to advise him? Amir, recently Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramzan fasting. He also said sorry, people should introspect instead of fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. You know, I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I wouldn't be able to really. I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment. Well, you know, in all our films, hum log hamari koshish ye rehti hai ki hum jitni sachchai se logon ko bataye film ke bare mein. Ab mera young look bhi hai film mein. Hum यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है, बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की. कहानी की सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की चार बेटियाँ हैं, उनके रिश्ते की कहानी है, उनके जर्नी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है. इट्स अ फैमिली फिल्म. सो वी आर बींग ऑनेस्ट विथ आर मटीरियल एंड आई थिंक इन ऑल माई फिल्म हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें, तो लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी. आमिर हाय, दिस इज आतिका. वो तो अभी आप देखते रहिए ना क्या होगा.
हर चीज में आपको कैसे बता दूं? आमिर हाय, दिस इज आतिका हियर, जस्ट वांट टू आस्क यू, सॉरी सॉरी सॉरी, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? या दिस इज आतिका हियर। वो हम देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं, आप भी एक बेटी दो बेटों के बाप हैं। इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है, बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़ें, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती। वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनजीर भुट्टो, और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है। तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है। आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज उनको सिखाएं। तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं है, धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो, जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है। तो ना कम है ना ज्यादा है, देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन इक्वालिटी। और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म। दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है। ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी खास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है, ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है, ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप। आप किसी चीज को लें तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमजोर ना करें, जैसे लगान में था। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और सबसे खास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितेश जी ने, मुझे याद है नितेश जी और सिद्ध दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाजा हो गया था कि ये महावीर गीता और बबीता की कहानी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम, कोई सीरियस बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी। तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितेश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ इन द नरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट, सो द अमाउंट आई लाफ्ड वाज इक्वल टू द अमाउंट आई यू नो वाज मूव्ड बाय द स्टोरी, एंड दैट वाज अ रियली रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी। मुझे बड़ा उस पर मजा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नितेश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मजा भी आता है, आप कुछ चीजें समझते भी हैं, आपको आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है। सो आई रियली वांट टू थैंक नितेश जी। अच्छा आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों को सवाल नहीं पूछ रहे यार, सब मेरे पीछे पड़ गए। नितेश जी को भी पूछिए। Sorry, I can't hear you clearly. I think it was almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with, you know. He would listen to your point of view and the kind of respect he gives to his director, it's immense, you know, the kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, you know, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here, the kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably the what can I say, you know, it's like absolute free hand he gives to you as a director. Nitesh sir is taraf aapke left mein, aapke left mein, sorry I can't. Ha ji please. Film ke liye Aamir ko hi kyun chuna, kitna waqt laga Aamir ko manane mein, and aapko film ke liye puri taiyari karne mein kitna time gaya?
मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके जब तक फिल्म रिलीज होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रॉनी के साथ था, हम लोगों ने एक्चुअली ये जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी, हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आई डोंट नो, 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था। जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रॉनी जी ने मुझे पूछा था कि आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे, लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और यू नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था एंड मे बी राइटफुली सो, यू नो, बिकॉज ही इज़ नोन टू टेक अप वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, ही इज़ नोन टू हैव गॉन टू ग्रेट लेंथ्स to make sure that he lives up to that character. You know, I'm not even getting on to the kind of performance he delivers, you know, so, and all those things which were, I think, there in the back of my mind, you know, before I took out his name in 3 seconds, and then we said we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him. And then we went and narrated it to sir, and then sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it, but he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it, are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years, we are willing to do this film, and that's what ने एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया, इस कहानी ने मुझे हंसाया रुलाया, आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट, आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड। तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है, फिर मुझे फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूं, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है, तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ, मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। आमिर हाय, दिस इज मयूर, मैं आंसर पूरा कर लूँ यार, आई हैव रियलाइज्ड नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर, ठीक है जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ये, कैन आई आस्क नाउ? नहीं नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार, हद हो गई यार, किधर है मयूर? या मयूर बड़े जल्दी में हो आप यार, के जाना है? नहीं, इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ माइक, यू नो। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूंगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊंगा, अगली देखूंगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा, तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक वॉजिक है उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूंगा, मोटा होना है मोटा हो जाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा, और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूं तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूं, वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहां दिल है अपना अपने को वहां जाना है, तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट, मयूर वन लास्ट पार्ट ऑफ इट, सॉरी माई बैड डे, आई एम सो सॉरी। मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था,
तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुड्ढा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं, ये सब हम कर सकते थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूं, आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए और फिर हम मैं वेट कम करूंगा, लूज करूंगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूं आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 9700 किलोज होगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है, तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक जो एक गोल मेरे सामने होगा उसको मैं अचीव कर पाऊंगा, तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। मयूर, थैंक यू सो मच आमिर। या माय लाइक आई डोंट विश टू इनिशिएट द एनवायरनमेंट हियर, बट कमिंग बैक टू द इशू ऑफ सलमान खान एंड द कमेंट्स बाय मिस्टर इरफान खान, don't you think that as a nation it is our misfortune that that a comment by two actors, you know, two personal comments, it's become more relevant and more important than the issue of, you know, justice for the many Nirbhayas and you know, the killing in Dadri? See, you know, I think that I really feel, you know, that as a society and especially the media, aap log sab media ke hain yahan pe, ke bahut sare issues hain hamare samne। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहां जहां इश्यूज होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या किसी किस्म से नेगेटिव होते हैं उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। मैं आपको अलग नहीं ठहरा रहा हूं, मैं भी आपके साथ ही हूं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका न्यूज नहीं बनता। ये इसने बड़ा नेक आदमी है, इसने ये किया, उसका न्यूज नहीं बनता। लेट मी जस्ट कन्वे व्हाट आई एम सेइंग, let me just convey what I'm saying in general negativity sells much more than positivity, that much you'll agree, in general, and in general that is the trend that's happening today. So I'm saying it, if we all decide to focus on positive things, na, you'll find that there's a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out, that also needs to be promoted, that people need to see that, you know, as a common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what is being reported to me. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you all, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If we could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is positive in nature. Amir sir, my question to you. Yeah, on your left. Yes. Sorry. Sir, you've been a man who inclined towards the society, betterment of society, always been through Satyamev Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है, क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था। तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट केम विद द टाइटल दंगल ओनली। अच्छा। हाँ, मतलब वन द चार लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से, डिज्नी की टीम से, तो उसका टाइटल दंगल ही था, यू नो। तो I never found any need to change it because it's so appropriate. So. Dangal is actually आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब riots है ना? No, दंगल का मतलब riots नहीं है, वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल riots. Actually हिंदी में या हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती, a bout, a challenging bout is a dangal. और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ, मैं उसके बोल आपको एक दो लाइन सुनाता हूं, आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है। मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पगबक प्यारे दंगल दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग,
कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस, एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल, हाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स. मिस्टर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी आपसे मेरा सवाल है, आपके फ्रंट में हूँ आलोक, कि ये एसोसिएशन कैसा रहा, क्योंकि इसके पहले आपकी तरफ से द जंगल बुक वगैरह काफ़ी अच्छा कर रही हैं ऑल लेवल पे, तो विद आमिर एंड दंगल. हाँ मतलब जंगल बुक कर रहे हैं तो फिर आमिर की क्या जरूरत पड़ी आपको. ऐसा पहले पहले जंगल फिर दंगल इस तरीके. Well, this happens to be our ninth association with Aamir actually. We were just counting the other day as producers, co-producers, distributors in some capacity or the other. So it's nothing new for us to want to be associated with Aamir in some capacity. I think when a member of our creative team, actually Divya Rao, who's you know sort of unfortunately not here today, the idea really came from her. She, you know, read about this story and she thought it would make a great film. And when she came to us with it, it sounded like something that was so inspirational, so such a wonderful story that really had to be told. And, you know, we had the good sense to go to someone like Nitesh and tell him about the story. And he also fell in love with it. And from that point on, the journey started. And, you know, he wrote a beautiful script. As he said just now, the only person we had in mind to go to was Aamir. And it all fell into place really, really well. So really happy that it happened. Aamir, hi, Aamir. This is Faridun from Borodangama Center. Hi. The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the four girls, somehow, you know, in a way they have that boyish look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role, it can retain its the femininity as well? Yeah, of course. You're absolutely right. And I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all. Right. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. So when you see the film, you'll understand that. And are you doing Rakesh Sharma's biopic? There are reports that you're doing Rakesh Sharma's biopic. You know, I've not signed any film yet. Are you planning? I've just begun to read scripts and explore the possibilities. I've not signed anything yet. But is Rakesh Sharma something that you're exploring? You know, until I sign a film, I can't tell you because it's not fair. It's not fair. I'll tell you why. Because there are a lot of people approaching me and they're approaching me with confidence that I will not let them down. So when someone narrates a script to me, I don't tell anyone कि मैं भाई so and so director ने script लेके मेरे पास आए, क्योंकि अगर मैंने नहीं की तो फिर वो reflect करता है कि यार आमिर ने वो film क्यों नहीं की, reject की, नहीं बन रही है वो film, क्या उसकी script ठीक नहीं थी, क्या नहीं था. I don't want that. It's not fair. When someone comes to me, he comes to me in faith and I like to uphold that faith. So whichever script I hear, you will never come to know कि मैं किसकी सुन रहा हूँ किसकी नहीं सुन रहा हूँ. So I will neither deny nor admit to your question. Thank you. Aamir over here. Mr. Tiwari, this question is for you. Can I ask? We'll come to you. Question is for Aamir. Okay. Sure. We'll come to you. Okay. You know, of course, Aamir has partly replied to that. Is it true that there are no songs in Dangal and you'll only have a promotional music video with Aamir and his four daughters? No, that's incorrect. We have quite a few songs in the film. Six. You have six songs. At least. And it might become seven. Yeah. Why Aamir seven? Well, that's the number of situations that we possibly have. So right now, we already have six in the film. So it has six songs, yes. Okay, thank you. Aamir, the question is regarding your weight in the movie. How did you gain the weight and how do you reduce the weight? You know, see, gaining is easy. Vazan badhana bahut aasan hai. Aap khaiye, pijiye, wo sari cheeze jo humko bola jata hai, mat khao. Jalebi, sweets, mithaiyan, deep fried wafers, samosa, batata vada. Jitni cheeze jisme tel zyada ho, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं जो हम खा नहीं पाते हैं, तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दवा के खा रहा था और इतना मैंने इंजॉय किया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत इंजॉय किया. मतलब जहाँ मैं जाऊँ लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता. अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट. आई हैड टू स्टे फैट यू नो थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म. और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी. उफ, इट वाज रियली डिफिकल्ट, बट आई हैड अ ग्रेट टीम विथ मी. आई हैव टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज माई टीम ओवर हियर. एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर,
वो अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं। और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ यू नो पर्सन हु इज टू कंसल्ट हिम, उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई तो लकीली आई मेट निखिल, ही वॉज इन इंडिया दैट टाइम एंड ही सेड आई विल टेक ओवर फ्रॉम वेयर डैड वॉज, वेयर डैड हैज लेफ्ट। तो उससे मुझे बड़ा, मुझे ताकत मिली क्योंकि यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु नोज अबाउट फूड प्रॉपरली। उस नॉलेज के साथ मुझे पूरा फेथ था कि यहां मैं रॉन्ग नहीं जा रहा हूं, व्हाटएवर ही टेल्स मी विल बी द करेक्ट थिंग। सो एंड आई इन्वॉल्व्ड हिम इन द बिफोर वी स्टार्टेड द शूटिंग, इवन इन द वेट गेन एंड इन द वेट सस्टेनेंस ही वॉज स्टिल पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिंग द डायट फॉर मी। एंड देन द वेट लॉस बिगैन फ्रॉम द 10th ऑफ जनवरी, आई थिंक 10th जनवरी से मेरा वेट लॉस शुरू हुआ। तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल इन दिस होल प्रोसेस। The other two people who were critical were my trainers. एक मेरे ट्रेनर हैं, उनका नाम है राकेश, और राकेश मेरे साथ थे शुरू में जब हमने शुरू किया ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं मोटा हूं लेकिन मेरी ट्रेनिंग फिर भी जारी है, आपको वो मसल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि चर्बी इतनी ज्यादा है उसके ऊपर कि मसल्स का शेप आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूंगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर। So it is important I train right through this process. Even when I'm fat, I'm training. And it is very difficult to train when you're fat. 97 kilos and you're doing squats and you're doing, you know, bench press and you're doing, it's very difficult. Khair, to maine wo, Rakesh was with me. And then Rakesh is actually Salman's trainer. Wo regularly Salman ki training karta hai. To usne mujhe ek din kaha ki bhai bula rahe hain, Sultan ki shooting shuru ho rahi hai. To maine kaha jao bhai, tum bhai ke paas jao. To wo bhai ke paas gaye. और ही ट्रेन सलमान एंड उनके जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी, भट्ट साहब के जो बेटे हैं। तो राहुल भट्ट ट्रेन मी फॉर 3-4 मंथ्स जस्ट शूटिंग के दौरान। एंड देन वंस सुल्तान की शूटिंग कंप्लीट हो गई देन राकेश केम बैक, सो लास्ट 3 मंथ्स अगेन राकेश हैज ट्रेन मी। तो बिटवीन राकेश एंड राहुल दे बोथ रियली मैनेज माय शेड्यूल रियली वेल, दे रियली पुश्ड मी टू द एक्सट्रीम। बोथ आर वेरी गुड ट्रेनर्स, बोथ आर एक्सलेंट, वेरी नॉलेजेबल ट्रेनर्स। So with Dr. Nikhil Dhurandhar, Rahul Bhatt and Rakesh, I was had three people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here, is the title, Dangal. I don't know if you know that, because Dangal title script mein to likha hua tha aapne. Lekin jab humne pata kiya to wo script ka jo rights the wo Puneet ji ke paas the, Puneet Isar. So I knew that Salman is very close to Puneet and I called up Salman one day and said ke yaar mujhe Dangal title chahiye yaar, can you request, can you arrange a meeting between Puneet and me? So actually Salman called up Puneet and said yaar unko title chahiye, jabki wo Sultan bana raha hai, log bolte hain ki hum log ek dusre se jhagda kar rahe hain, wo same wrestling film hai, lekin aisa kuch nahi hai kyunki Salman ne actually humko help kiya Dangal ka title milne mein, Salman ka bada haath hai. And he called up Puneet and then Puneet and I met and Puneet was very sweet. He said ki yaar main use nahi kar raha hu to aap log istemal kar lo. So he gave us the title and that's how we got the title actually, Dangal. Hi Siddharth, Siddharth over here. You know PK released on 19th of December, which was a week before Christmas. So what is there a particular reason why Dangal is releasing in the Christmas weekend, and how do you see that Christmas falls on a Sunday this time? So how do you see that, will that affect the business in any way? You know, that period is an excellent period for releasing movies, as we've seen over the last so many years, and so many of Aamir's films have released at that time as well. We felt 23rd was the right date because it was on the eve of Christmas. You're actually being able to reach out to audiences who are in a mood to actually go and visit the theaters. You've got your holidays going on at that time, so December 23rd seemed like just the right date to release the film. Hi Aamir, this is Simrata from Filmikari. Towards your left. I have two questions for you. Yeah. The film is about the father and his four daughters and how he trains his two daughters to be wrestling champions. So how was it working with the four girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with them. जब आप फिल्म देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें देख के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे. जो चार लड़कियों ने काम किया है, unbelievable, absolutely unbelievable. मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही है, मैं
कुछ 40 फिल्में कर चुका हूं, मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी, मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही है अपनी. सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम. एंड यू नो द यंग किड्स ऑफ टुडे आर सो फोकस्ड, सो हार्ड वर्किंग. ऑल फोर ऑफ देम रियली हार्ड वर्किंग. एंड दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म फॉर देम टू डू बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव टू रन रेसलिंग. रेसलिंग इज अ वेरी टफ स्पोर्ट. आपकी बॉडी में इंजरीज होती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल फातिमा इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हर रेसलिंग ओनली शी इंजर्ड हर रिब एंड शी हैड टू डू द होल वन ईयर ऑफ शूटिंग एंड द रेसलिंग रिहर्सल्स विद दैट ब्रोकन रिब बिकॉज रिब का कोई फ्रैक्चर अपना कोई कास्ट वास्ट नहीं होता. यू हैव टू जस्ट अलाउड टू हील. सो दे हैड टू रियली पुश देयर ओन लिमिट्स, देयर फिजिकल लिमिट्स. फिर हरियाणवी की डायलेक्ट सीखना है. तो आई थिंक ऑल ऑफ देम एक्चुअली इंजरी तो सभी को हुई, मुझे भी हुई इंजरीज. फातिमा, सानिया, अपना सुहानी एंड जायरा, बट ऑल फोर ऑफ देम यू नो. सुहानी इज द लिटिल डार्लिंग बिकॉज शी इज द स्मॉलेस्ट. वी ऑल रियली लव हर. एंड जायरा इज वेरी वेरी टैलेंटेड. शी इज अ वंडरफुली टैलेंटेड यंग गर्ल. सानिया इज माई फेवरेट, आई हैव टू से. माई हार्ट गोज आउट टू हर. She is someone I raise, you know, I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima, who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all four are very talented, I have to say. All four, there's no difference. And all four have applied themselves completely. I mean, whatever I say is less about. The tagline of the film, Hamari Choriyan Choro Se Kam Hai Kya? It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer? Ki kam nahi hai. Asking it again and again, ki kam hai, we are just nullifying the fact ki haan kam nahi hai. Nahi, 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 aisa nahi hoega. Aap film dekhiye. Trust us. Amir, any particular reason to launch this poster two Amir, days before here. Sultan? Amir, here. Where? Left. कहाँ है? Any particular reason to launch the poster two days before the release of Sultan? Oh yes, because Sultan is going to be a huge super duper hit here, and all the millions of people who come to see Sultan, I want them to see this poster outside in the theater. के भाई हमारी भी आ रही है बाद में. तो that's the reason. इतनी बड़ी bumper hit होने वाली है, उसकी opening कुछ bizarre लगने वाली है. तो जो लाखों लोग आएंगे theater में, तो हम theater में हम कम से कम एक कोने में तो खड़े हो जाएं भाई. हम भी हैं. छह महीने बाद हम भी आ रहे हैं. सो वी आर यूजिंग द ह्यूज पोटेंशियल दैट सुल्तान हैज टू प्रोपेल आवर फिल्म. आमिर यू जस्ट सेड दैट वन ऑफ योर ट्रेनर लेफ्ट यू इन बिटवीन आई बिलीव राकेश फॉर भाई. सो वर यू डिड यू नॉट फील ऑफेंडेड? नो आई डिडंट फील ऑफेंडेड. नो बिकॉज सी द थिंग इज दैट आई नो दैट राकेश रेगुलरली ट्रेन्स सलमान. फर्स्ट ऑफ ऑल ही रेगुलरली ट्रेन्स सलमान एंड हैज बीन डूइंग इट फॉर मेनी इयर्स. So I am actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that you know, Salman is used to him. Salman trains with him. Has been training with him for 10-15 years. I don't know how many years. तो वो बात मैं समझता हूँ. और मैं अक्सर राकेश को बोलता हूँ, कभी कभी हमारा टाइमिंग क्लैश होगा, उसकी शूटिंग है मेरी शूटिंग है, तो आप सलमान को प्रेफरेंस दो, मैं मैनेज कर लूँगा. That's my understanding with Rakesh also from the very beginning. And during our recent interview, Salman said that for 20 days he had to do the fit bit, then he had to do the unfit bit, and then again he had to loosen his weight and then increase the weight and all, you know. And he said ki Amir ka acha tha, usne to 6 mahine mein kar liya. So what do you want to say? Bola ye sab changes karna halwa nahi hota hai. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging, and I can understand because I've been through it, and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging, and hats off to what he's done here. Hi, Abhishek here, straight. आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफ़ी देख रहे हैं. रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे. तो क्या आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं जो आपके वो नहीं देखा गया साथ में? मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती? मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना मत. ऐसा थोड़ी होता है भाई. आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट सलमान एंड शाहरुख आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. दे वेंट आउट साइकिलिंग, दे यू नो चिलिंग टुगेदर. दैट्स वंडरफुल. इट्स रियली वंडरफुल. ओके आमिर सर, व्हेन वी सी बायोपिक्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट, व्हेन वी सी बायोपिक्स बीइंग मेड ऑन
you know, people who are alive, the makers usually bring them towards, you know, when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes, yes. Of course, we would like you to speak to them. We would like to introduce them to all of you. At the right time, we'll be doing that. Amir, the film shows woman encouragement in sports. Film shows encouragement of women in sports, that is wrestling. So do you think in India there is lack of encouragement for women in sports and it should be increased? I think that jo patriarchal thinking hai hamare samaj mein, wo har cheez mein affect karti hai. Sports mein affect karti hai. Aap bachiyon ko, main aapko bataun, sabse pehle to hum bachiyon ko paida nahi hone dete. Coke mein hi hum maar dete hain. फीमेल फीटोसाइट कितना होता है हमारे यहाँ, तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते, अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वो वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते. मैं सब हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ. अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम एजुकेशन पर खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पर हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं. पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ. तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरी दो बहनें हैं, हम दो भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है. तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें. और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी. Amir, when you said that, you know, poster aap kone mein rakhna chahenge Sultan ke release par so that people would also see it, you know, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. Isme nahi kya baat hai. I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit Ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranbir, रणवीर, सो मेनी एक्टर्स हुआ ह्यूजली पॉपुलर. है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर कौन आगे कौन पीछे, वो उस कंपेरिजन में जाता नहीं. बट आई डू फील दैट यू नो व्हेन आई सी सलमान वॉकिंग इनटू अ रूम, ऐसा लगता है कि स्टार आया यार. मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया. सॉरी आई एम सॉरी, आई शुड से दैट बिकॉज वेटर्स आर ग्रेट पीपल. कहाँ हैं भाई वेटर्स? आई शुड से दैट. बट I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है. मैं चुपके से corner में enter होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ. It's Salman who enters Shahrukh. When Shahrukh enters, you feel a star has entered. वो quality है ही नहीं मेरे में. So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. आमिर, एक सवाल है आपसे. अभी आपने कहा कि जो लड़कियाँ हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर वन पोजीशन में है हमारे देश में. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप, यही तो हमारा प्रयास है जी, ये जो फिल्म हमने बनाई है ये सबसे बड़ा प्रयास है. आप देखिए तारे ज़मीं पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में. थ्री इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ एजुकेशन पे. तो मेरे समझ से यही तो हमने दो साल जो लगाए, मैंने दो साल लगाए, नितेश जी ने चार साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है. और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से? आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स. एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण, वी इनकरेज आर किड्स टू डू वॉट makes them happy and to learn about things that they are interested in always. Amir sir, yeah. Amir, अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं. ऐसा लाजमी है कि किसी भी हीरोज में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है. तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसे कोई इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक नितीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो हमारे मेरे बल में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए. एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है. इस फिल्म में जितना रियल
रख सकते हैं हम लोग उतना ही रियल रखने की कोशिश की है. इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है. एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए और बेटे की चाहत में ही चार लड़कियां होती हैं उनको. तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम यू नो परफेक्ट है. बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर यू नो इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा. बट यस यू नो ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है. आमिर आपसे सवाल है. आमिर अगर मैं गलत नहीं तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी. अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ और उसके बाद जो जीता सिकंदर फिर लगान की और ये चौथी फिल्म है जी दंगल. तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें जो 2000 में आई थी 2001 में आई थी तब से क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी. लगान से पहले कई बनी थी कामयाब नहीं हुई थी जो जहाँ तक मुझे याद है. तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी और उसके बाद लगातार कई फिल्में आईं. चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं. तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है. स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं. बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे है, शायद फुटबॉल पे भी एक बनी है. तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से. और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, हमने उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में. हाँ नहीं देखिए देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता. लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि एक्चुअली साक्षी जी के का थॉट मेरे माइंड में पहले आया और मैंने नितीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर. क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं एंड शी लव्स साक्षी. तो आई टोल्ड नितीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर. एंड नितीश जी ने टेस्ट लिया, नितीश जी को पसंद आया टेस्ट एंड दैट्स हाउ शी वॉज कास्ट. एंड शी इज़ फैंटास्टिक आई टेल यू. मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल. मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है पहले टेक में. और नॉट ओनली शी स्किल्ड बट शी इज सो वेट विथ इमोशंस. सो देयर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल स्किल विथ यू नो फीलिंग द शॉट व्हाइल यू आर डूइंग इट, विच आई फाइंड दैट वेरी रेयर यू नो. एंड एवरी शॉट शी डज दैट. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर विक्सर मार रही है. मुझे लग रहे हैं 7 take 8 take. शी इज फैंटास्टिक. आई जस्ट लव्ड हर एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विथ. यू रियली वंडरफुल टू वर्क विथ. हाँ नहीं नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में. मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी एक हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग वो सब वेस्ट हो जाएगा क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया. ये थॉट मुझे हमेशा आता है. अच्छा थॉट इसलिए आता है, मैं सोचता हूं कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए. तो मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में जो होना है वो होगा. लेकिन इस फिल्म में मैंने नितीश जी को एक पॉइंट पे बोला, वही उदय यू आर नॉट देयर. तो मैंने नितीश जी को बोला कि देखिए नितीश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है, अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है. खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा, लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. मैं अभी कहाँ सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं था. आपने सोचा? नहीं सर. नहीं सोचा आपने, चलिए अच्छी बात है आपने नहीं सोचा. सॉरी व्हेन इज द ट्रेलर एक्सपेक्टेड? यू नो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द ट्रेलर, सो एज सून एज वी आर रेडी आई कांट से येट व्हेन.
when am I planning to watch Sultan? The moment it comes in the theaters, yeah, 6th July, hopefully I'll see 6th soon enough. Koshish karunga jaldi se jaldi. Thank you so much, everyone. Thank you so much.